कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने 3 मई तक का लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ के बेगमपुर का सामने आया है, जहां फर्जी पत्रकारों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाते हुए 2 फर्जी पत्रकारों को बेगमपुर पर गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ये दोनों बेगमपुर चौराहे पर बाइक पर प्रेस लिखवा कर घूम रहे थे। जब पुलिस ने दोनों को रोककर पूछताछ की तो ये कोई जवाब नहीं दे पाए। वहीं पूछताछ में पता चला कि इन्होंने पैसे देकर फर्जी आई कार्ड बनवाया है। जब स्थानीय पत्रकारों ने इन फर्जी पत्रकारों से सवाल किए तो पता चला कि ये दोनों दर्जी का काम करते हैं। एक आरोपी 5वीं पास तो दूसरा 8वीं कक्षा तक ही पढ़ा है। अब आप खुद ही सुन लीजिए ये फर्जी पत्रकार महोदय क्या कह रहे हैं। क्या नाम है? अजीम। क्या करते हो? मैं सिलाई का काम। किस तरह की सिलाई करते हो? लेडीज सूट की। अच्छा, तुम्हें ये पता है तुम्हारा थाना इंचार्ज का नाम क्या है? कितने दिनों का पत्रकार बने हुए? 7-8 महीना हो गए। कितने पैसे देके बने थे? ये 1500 रुपये में बनवाया था कार्ड। कितने पढ़े हुए हो? 8वीं क्लास। तुम्हारे यहाँ के डीएम का नाम क्या है? डीएम का नाम तो पता नहीं। डीएम का नाम नहीं पता? अच्छा, मेयर कौन है तुम्हारे यहाँ पे? मेयर मतलब जोर से बोलो। मेयर मतलब महापौर जिसे कहते हैं। नहीं पता? अच्छा, ये बताओ कमिश्नर का पता है? मेरठ में कमिश्नर कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तेज बोलना। मोदी नाम है मुख्यमंत्री का। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। तो सुना आपने कि किस तरह ये दोनों व्यक्ति फर्जी आई कार्ड लगाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मीडिया और पुलिस को गुमराह कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है और दोनों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार विधिवत इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये लोग यहाँ बेगमपुर पर रोके गए, इनके पास एक पहचान पत्र है पत्रकारिता का, लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो एक ने कक्षा 5 पास बताया, एक ने कक्षा 8 पास बताया। तो इनके विषय में जांच की जा रही और तब तक इन्हें डॉक्टरों की टीम बुलाई गई, क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। ये सिलाई का काम करते हैं, लेडीज सेंटर बता रही है। अभी फिलहाल डॉक्टरों की एक टीम आई, वो इनकी जांच करेगी और क्वारंटीन सेंटर भेजे जाएंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।